साहब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो दादाजी, इस टाइम आप मौजूद हैं हरुणाबाद गांव में। आज मेरा दूसरा दिन है, तो सुबह से मुझे, मैंने कहा था कि जब गाय का दूध निकालने लगा तो मुझे ज़रूर बुलाना, मैंने वीडियो बनानी है। तो अब जो है गाय का दूध निकलने लगा है, तो भाई ये हमें बताएंगे क्या तरीकेकार होता है। हाँ जी, इसका फोन है, इसको कैसे कहेंगे ये बताओ पहले। को बच्चा कहते हैं। ओ अच्छा, छोटा भी बच्चा, बड़ा भी बच्चा। गाय बोली जा रही है, इसका मतलब ये कुछ चाह रही है, ये चाहती है कि दूध निकाला जाए। तो देखो, हो गया। अच्छा, तो भैया ऐसा क्या कि ऐसे क्यों दिया जाता है बच्चे का दूध पिलाया जाए? अच्छा, ये इससे चीज़ से बच्चे को दूध पिलाया जाए। हाँ, ये पिएगा या फिर दूध उतारेगी? अच्छा, जी नाजरीन, ताज़ा दूध, इसको कहते हैं गड़वी, कहते हैं ना भाई, बाल्टी बाल्टी नहीं, वो गड़वी क्या होती है? गड़वी छोटी होती है नापने वाली। बाल्टी में दूध चुआया है, तो हमारी आंटी ने जिस साथ दूध चुआया था, तो अब हम ये दूध को लेके हमारे किचन के पास आपने लगे हैं। ठीक है, तो नाजरीन अब हमें इसको जो है सुर्खी लगा के पियेंगे अभी। तो मेरे दोस्त थे पिंडी वाले, उनको मजा आता ना, वो चस गिने, मैं आपको पता था चस गिने मेरे साथ मौजूद है मेरे अहमद भाई। तो अहमद भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं नाजिन से, गांव में आके कैसा फील हो रहा है? गांव में आके बहुत अच्छा फील होता है, थोड़ा सा ऊंची कहते हैं, उनको आवाज नहीं आती। गांव में आके बहुत अच्छा फील होता है, बहुत मजा आता है, खेत कूद देख के दिल खुश हो जाता है, ग्रीनरी देख देखे आपका दिल खुश होता है, ठंडक मिलती है, माहौल अच्छा लगता है, जबरदस्त हो गया। नाजिन, पहली बात तो मुझे इनका घर ही बहुत पसंद है, माशाल्लाह। ये देखे ना कितना बड़ा घर, पहले गेट गेट से दो हमारी गाड़ियां खड़ी हुई है, ये देखे जी पौधे लगा भाई, क्या है ये? मिर्चे और धनिया है, मिर्चे और धनिया, मिर्च धनिया, और इधर भी दिखाए नाजिन को, ये सारी मिर्चे, ये सारी मिर्चे लगी हुई है। ऐसे लगता है जैसे किसी ने मिनी खेत है ना, मिनी मिनीचर टाइप जो खेत वाली होती है आर्टिफिशियल, वो किसी ने लगाया हुआ, लेकिन बड़ा जबरदस्त लगता है माशाल्लाह। तो उसके बाद क्या, घर में जो है ये मौसमी के पौधे भी लगे हुए हैं, अपना नार भी मौजूद है, बेर भी है। अच्छा, बेर की वीडियो मैं स्पेशल एक अलग बनाऊंगा, वो भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी, वो हमने एक वीडियो अलग बनानी है। तो आज की जो हमारा मेन मकसद है, वो मकसद अपनी रूटीन शेयर करेंगे, नाजिन हमारे साथ रहिएगा। दूध हमने चो लिया है, नाश्ता भी हमने करना है, तो हमारे साथ रहिए जी। नाजी, तो सुबह की रूटीन में हमने सबसे पहले जो है दूध की चुआई देखी, उसके बाद रोटी पकाई देखी, और अब जो हम नाश्ता हमारे टेबल पे आ गया है गांव में सुबह, और हम नाश्ता करेंगे मैं और मामू जान हम इकट्ठे। तो नाश्ते में नाजी हमारे पास सबसे पहले है लस्सी, तो आपको नीचे दिखा रहे हैं, ये लस्सी है, इसे क्या कहते हैं? अच्छा, तो इसे इसे कंग कहते हैं, चावलां नूं कहिंदे ने अन्न, ते इहनूं कहिंदे ने कंग, ते साडी मशला दादी जिंदा हुंदी सी कहिंदी अन्न ते कंग च पा, मतलब कि चावलां दे उत्ते लस्सी पा, ते बाकी तुहानूं मैं अपनी फीलिंग दसां। नाजी देखे, सात रोटियां, सात सालन वीआईपी मोर। हां जी, कैसा फील कर रहे हो? मजेगा भाई, मजेगा, 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 बहुत मजा आ रहा है।
कितना जितना आपको आ रहा है। अच्छा आपको कितना आ रहा है? बहुत आ रहा है। तू है ना क्या कहा तुझे ऑफर टावर दे ना काम में ला चल बस कर दे यार बच्चा अपना काम बदलता रहेगा कितनी दफा। जी नाज़रीन, तो नाश्ता हमने कर लिया माशाल्लाह, नाश्ते का बड़ा मज़ा आया, मॉर्निंग रूटीन हमारी बड़ी ज़बरदस्त रही। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में, अब हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।